नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, 15 से 20 मिनट दीजिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन रखा है, आप कोई भी एग्जाम का PYQ पेपर उठाकर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं MCQ नहीं लगवाने वाला हूं, मैं यहां पर वन लाइनर प्रश्नों की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों क्लियर है, चलिएगा शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। दोस्तों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, तो आपको याद रखना है और नोट डाउन भी कर लीजिएगा साथ में, है ना, कॉपी कलम उठा लीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा IMP क्वेश्चनों को। क्लियर है, तो लिथियम आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे भारी धातु की बात कर रहे हैं, तो सबसे भारी धातु विशेष रूप से आपको याद रखना है, हल्की धातु भारी धातु दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दोस्तों आपको रिलेट वाई आपको सबसे भारी और सबसे हल्की धातु दोनों आपको याद रखना है, ऑस्मियम है दोस्तों। क्लियर है, ये हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहाँ पर याद रखना है आपको सबसे कठोर धातु। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे कठोर धातु की, तो सबसे कठोर धातु में अगर बात करें तो प्लेटिनम होती है, ये सबसे महंगी धातु भी है दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है, है ना। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ याद रखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है सबसे कठोर पदार्थ है आपको कौन सा है, तो आपको लगाना रहेगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में जो होता है दोस्तों वो हीरा होता है। दोस्तों आपको याद रखना है हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है दोस्तों। क्लियर है, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोयले की। देखिए दोस्तों अगर मैं क्लियर बता दूं आपको कि कोयला जो होता है वो तीन प्रकार का होता है विशेष रूप से, है ना, आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है AB लिपि। क्या याद रखेंगे? AB लिपि से आप याद रखेंगे, A4 हो जाएगा यहाँ पर क्या एंथ्रासाइट, P4 बिटुमिनस और Li4 क्या हो जाएगा लिग्नाइट, P4 पिट हो जाएगा या पिट कोयला बोलते हैं। क्लियर है, वो ये आपको ये सीरीज भी आपको याद रखना है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होगा दोस्तों, A4 एंथ्रेसाइट, फिर B4 बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर आपको पीट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अगर वो सीरीज भी पूछता है उत्तम से निम्न की तो आप बता पाएंगे दोस्तों, अगर उच्च से निम्न से उच्च की पूछता है तब भी आप बता पाएंगे। क्लियर है, तो ये चार वैरायटी कोयले की आपको याद रखना है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है एंथ्रेसाइट, और सबसे निम्न क्वालिटी का कौन सा होता है, यहाँ पर लिपि पी आ रहा है तो पीट कोयला हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि जल का शुद्ध रूप क्या होता है। दोस्तों देखिए जल के शुद्ध रूप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है। जब वर्षा का जल ज़मीन पर गिरता है तो उसमें कई सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं दोस्तों। क्लियर है, तो जल का जो शुद्ध रूप होता है वो वर्षा का जल होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि मार्स गैस क्या कहलाती है। दोस्तों हम बात करें मार्स गैस की, तो मार्स आपको मार्स से मीथेन आपको याद रख लेना है। क्लियर है, तो मार्स गैस कौन सी है दोस्तों, आपकी मीथेन। और मीथेन गैस कहाँ से निकलती है दोस्तों, धान के खेतों से सर्वाधिक मात्रा में निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि नोबेल गैस कौन सी है दोस्तों, या नोबेल गैस कौन सी कहलाती है दोस्तों। देखिए नोबेल गैस यहाँ पर बात कर रहे हैं हीलियम की, है ना, तो हीलियम के बारे में आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों कि विद्युत धारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है विद्युत धारा। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कीजिएगा, IMP लगाइएगा दोस्तों, है ना, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पारा का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों, तो पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो शनिवार है दोस्तों, है ना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा दोस्तों और नोट डाउन कर लीजिए आप इसे आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं 60 क्वेश्चनों का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 60 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, है ना, तो 15 से 20 मिनट आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और पेशेंस अगर रख लिया तो आपने ये 60 क्वेश्चन जो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि पिछले कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देखेंगे, रेलवे, PSC, है ना, इसके अलावा आपका SSC CGL कोई भी, ये सारे चुनिंदा प्रश्न हैं दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, JL Baird ने किया था। किसने किया था? JL Baird।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का जो आविष्कार है दोस्तों, ये किया था आपको टेलर एंड यंग ने दोस्तों, है ना। राइट ऑप्शन लगाइएगा अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूटन जो है दोस्तों, ये फिजिक्स के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आपको विशेष रूप से याद रखना है न्यूटन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से दिए जाते हैं ना दोस्तों, कन्फ्यूजिंग वाले, तो आपको गलत नहीं करना है दोस्तों। याद रख लीजिएगा, इस सिरका और अचार में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? एस्टिक एसिड होता है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, गलत नहीं करना एग्जाम में। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर यहाँ तक आप बने हैं तो 15 से 20 मिनट मैंने पहले क्लियर किया है कि 15 से 20 मिनट तक जरूर बने रहेगा, और पहली बार है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? देखिए नींबू की बात कर रहे हैं तो नींबू में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूध का खट्टापन किसके कारण होता है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो खट्टापन होता है विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दोस्तों। क्लियर है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि मतदाताओं की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मतदाताओं के हाथ में लगाया जाने वाली जो स्याही है, जो लगाई जाने वाली जो स्याही होती है वो किसकी होती है दोस्तों? तो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। वो स्याही क्या कहलाती है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है दोस्तों, जिससे जब मतदाता जो होते हैं वोट डालने जाते हैं तो उनके नाखून पर एक निशान बनाया जाता है, वो सिल्वर नाइट्रेट का निशान होता है दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, है ना, तो किस टाइप से घूमती है? पूर्व से पश्चिम घूमती है, उत्तर से दक्षिण घूमती है, है ना, तो ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन में गंध होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब भी आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो आपको एक गंध आती है दोस्तों, वो गंध किसकी होती है दोस्तों? तो प्याज और लहसुन में जो होने वाली जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है दोस्तों। क्या पाया जाता है उसमें? पोटेशियम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्स किरणों की खोज किसने की है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्स किरणों की खोज की है रोंटजेन ने। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, स्कूटर के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉडसॉ जी का नाम आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहीं पर बात कर रहे हैं रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? कोल्ट, आपको याद रखना है इनके बारे में। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि समुद्र की गहराई नापते हैं किससे? तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फैदोमीटर द्वारा मापी जाती है। यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहीं हम बात कर रहे हैं कि डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। देखिए डीएनए की संरचना का जो मॉडल दिया था ना दोस्तों, वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो डीएनए की संरचना किसने की दी थी दोस्तों? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था दोस्तों? देखिए अगर हम लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं कि लेबोरेटरी में सबसे पहला कौन सा तत्व बनाया गया था, तो यूरिया है दोस्तों, है ना। राइट ऑप्शन आप लगाइएगा यूरिया। और दोस्तों आईएमपी भी है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप नोट डाउन भी कर लीजिए आप इसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि टेलीफोन की आविष्कार किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों? तो याद रखिएगा ग्राहम बेल दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है आईएमपी, नोट डाउन कीजिए आप इसे आप दोस्तों, है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि पहला उपग्रह है दोस्तों, है ना, यहाँ पर आपको याद रखना है ये आर्यभट्ट, है ना। कौन सा उपग्रह था दोस्तों? पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट था दोस्तों, है ना, विशेष रूप से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था दोस्तों, है ना, 19 अप्रैल 1975 की बात कर रहे हैं आपको, है ना। और ये भारत की धरती से नहीं छोड़ा गया था, शायद ये रूस वाला जो क्षेत्र था वहाँ से छोड़ा गया था दोस्तों।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहे हैं पेनिसिलिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए आप, रट्टा मान लीजिए बिल्कुल आप, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम में छपते हैं क्वेश्चन दोस्तों ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। देखिए अगर आप किसी भी टीके की बात करेंगे तो अभी तो वर्तमान में बहुत सारे टीके बन चुके हैं, हालांकि चेचक के टीके की खोज की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जेनर की बात कर रहे हैं, जेनर ने की थी दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान के जन्मदाता। देखिए जीव विज्ञान के जन्मदाता की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जन्मदाता कौन है जीव विज्ञान के, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अरस्तु दोस्तों। वही मैं अब अगर यहाँ पर आपसे पूछूं कि भौतिकी के जन्मदाता कौन है दोस्तों, तो भौतिकी के जन्मदाता हैं दोस्तों न्यूटन, क्लियर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, कमेंट में छापिएगा ज़रूर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो देखिएगा डायनामाइट की बात कर रहे हैं तो अल्फ्रेड नोबेल आपको याद रखना रहेगा, क्या अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था दोस्तों, है ना, पहला मानव कौन था चंद्रमा पर उतरने वाला, दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला, देखिए वहाँ पर हमने बात की थी चंद्रमा पर पहुँचने वाला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला पहला मानव कौन था दोस्तों, या पहला आदमी कौन था दोस्तों, तो यूरी गागरिन का नाम आप याद रखेंगे, क्लियर है यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी हड्डी आपको फीमर जांग की हड्डी होती है दोस्तों, है ना, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की जो स्टेप्स होती है दोस्तों, है ना, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पर, इसलिए मैं ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेप्स होती है, वो भी कहाँ पर होती है, कान पर होती है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। देखिए संसार के सबसे बड़े पुष्प की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो रिफ्लेक्सिया होता है, कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है B12, है ना, B12 जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एनीमिया, देखिएगा यहाँ पर एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एनीमिया के बारे में आपको याद रखना है, खून की कमी के कारण होने वाला एक रोग है, है ना, विशेष रूप से विटामिन यहाँ पर B12 की बात कर रहे हैं विटामिन, है ना, इससे ठीक हो जाता है एनीमिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, देखिए विटामिन ए की बात कर रहे हैं, है ना, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग, है ना, विटामिन ए के लिए क्या खाना चाहिए आपको, गाजर आम पपीता, है ना, विशेष रूप से जो आँखों के लिए विशेष रूप से ये फल जो होते हैं फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी B4 यहाँ पर बेरी आप लगाएंगे, गलत करके नहीं आना है दोस्तों, है ना, ट्रिकी आप याद कर सकते हैं B4 बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड देखिएगा, टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो टाइफाइड से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो आँत होती है दोस्तों, है ना, टाइफाइड की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि पीलिया से कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया जो होता है ना दोस्तों ये यकृत को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, किसको, यकृत को। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं, दोनों ही IMP हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। रेबीज़ की बात कर रहे हैं दोस्तों, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों, तो रेबीज़ बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, IMP लगाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए रेबीज़ के टीके की जो खोज है ना दोस्तों, वो लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी, है ना, लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है रेबीज़ जो होता है ये वायरस जनित बीमारी है दोस्तों, और रेबीज़ जो वायरस पाया जाता है ये
कुत्तों जानवरों में पाया जाता है ना, कुत्तों बंदरों में पाया जाता है दोस्तों, है ना। इनके काटने से रेबीज़ वायरस फैलता है दोस्तों, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि रेबीज़ वायरस फैलने से कौन सा रोग होता है दोस्तों, क्लियर है, कमेंट में ज़रूर छापिएगा दोस्तों इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी। तो हैजा की बात कर रहे हैं, हैजा जो है एक पानी से होने वाले, दूषित पानी से होने वाली एक बीमारी है दोस्तों, है ना। और टीबी जो है दोस्तों ये भी वायरस है ना, ट्यूबरक्लोसिस वायरस के द्वारा होती है ना ये बीमारी। ये दोनों जो टीके थे दोस्तों, इनकी जो जीवाणु की खोज है, सॉरी यहाँ पर जीवाणु की बात कर रहे हैं, रॉबर्ट कोच ने की थी 1980 में दोस्तों, 82 में सॉरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों। तो रक्त में विशेष रूप से आपको याद रखना है, लोह तत्व में अगर हम बात करें तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है, आयरन, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स किरणें किसे कहते हैं। तो एक्स किरणें, वाई किरणें, है ना, गामा किरणें, ये क्या है, सब आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैसे हैं दोस्तों? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पानी में हवा का बुलबुला होता है। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किसकी भांति आपको यहाँ पर दिखाई देता है? तो अवतल लेंस की भांति, है ना, अवतल लेंस के यहाँ पर आपको दिखाई देता है दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है दोस्तों, है ना, न्यूनतम भार होता है विषुवत रेखा पर। सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखने का क्या कारण होता है? सूर्य कैसा दिखाई देता है यहाँ पर? सूर्य जब उदय होता है तो आपको कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है दोस्तों, है ना। तो प्रकाश का जो प्रकीर्ण, ये अपवर्तन की घटना होती है, वो तो डूबते समय भी लाल दिखाई देता है दोस्तों। तो ये विशेष रूप से आपको अपवर्तन की घटना है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश जो होता है वो कम प्रकीर्णन होता है दोस्तों, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड भी है, ये अपवर्तन की प्रक्रिया है दोस्तों, है ना। इंद्रधनुष जो होता है ये किसके कारण होता है? पानी की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है जिसके कारण अपवर्तन होता है प्रकाश का, जिसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल पर जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ जाती है ना, चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो इसी टाइप से वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, है ना। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है तो आप थोड़ा सा लाइक कमेंट छोड़िएगा दोस्तों, और इसके बाद वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देता है दोस्तों? सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है, है ना। कैसे दिखाई देता है दोस्तों? यहाँ पर काला दिखाई देता है। जैसे हम अभी ज़मीन से आकाश को देखते हैं ना तो नीला दिखाई देता है, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। यहाँ पर यूरिया को शरीर से अलग करते हैं गुर्दे, है ना, कौन करता है दोस्तों? गुर्दे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किडनी। वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, 53 नंबर की, कि मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग कैसे होता है? ये मेलानिन के कारण होता है दोस्तों, है ना, किसके कारण? अब मेलानिन पाया जाता है दोस्तों इसमें, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए काम में क्या आता है दोस्तों? तो एथिलीन जो होता है ये कच्चे फलों को पकाने के लिए काम में आता है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीटेड भी है एग्जाम में दोस्तों, आप IMP लगाइएगा और नोट डाउन भी कर लीजिए आप इसे। रॉबर्ट हॉक की बात कर रहे हैं ना, रॉबर्ट हॉक आपको याद रखना है, IMP लगाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी यहाँ पर मोशले ने, है ना, मोशले, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की जो शक्ति मापी जाती है वो डायोप्टर से मापी जाती है, किससे? डायोप्टर, आपको याद रखना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, राइट ऑप्शन लगाएंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद रखना है अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको याद रखना है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, बहुत ही पॉपुलर व्यक्तित्व रहा है इनका दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलेगा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलेगा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है ना दोस्तों वो सोयाबीन में पाई जाती है, है ना। अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं, तो आप सोयाबीन ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं दोस्तों, क्लियर है, तो सोयाबीन आपको याद रखना है। चलिएगा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दबा कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।